हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड आवर सोशल स्टडी क्लास चैप्टर 10 आवर फॉरेस्ट वेल्थ। आवर फॉरेस्ट वेल्थ, यस, फॉरेस्ट मीन्स हमारे जंगल, वेल्थ मीन्स हमारी धन संपदा। हमारे जो जंगल हैं ये हमारी वन संपदा है। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया इंक्लूड इट्स फॉरेस्ट वेल्थ। किसी भी एरिया की जो नेचुरल वेजिटेशन होती है, जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं उस एरिया की, वो सभी डिपेंड करती हैं फॉरेस्ट वेल्थ के ऊपर। अ फॉरेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जो हमारे जंगल हैं ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट अ कंट्री मस्ट हैव 1/3 ऑफ इट्स टोटल एरिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड, इसको इस तरीके से हम आ सकते हैं जैसे कि एक कंट्री मस्ट हैव 1/3 ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट। किसी भी एक देश का जो 1/3 एरिया है वो फॉरेस्ट ने कवर अप कर रखा है। बट इन इंडिया, लेकिन इंडिया में ओनली 1/5 ऑफ इट्स टोटल एरिया इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट। लेकिन इंडिया का सिर्फ 1/5 पार्ट ही फॉरेस्ट से कवर्ड है। दिस इज़ फार लेस देन वॉट इज़ रिक्वायर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा कम है, बल्कि इससे ज़्यादा होना चाहिए। फॉरेस्ट आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। हमारे जो जंगल है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है। फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोडक्ट आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज। हमारे जंगल और इनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे लिए किन तरीक़ों से महत्वपूर्ण हैं, इन पॉइंट्स को हम नीचे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, दे गिव अस स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ हर्ब्स, रबर एंड फ्रूट्स। फॉरेस्ट से हमको डिफरेंट टाइप्स के स्पाइसेस मीन्स मसाले, मेडिसिनल प्लांट मीन्स जड़ी बूटियों वाले पेड़ पौधे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स एंड रबर एंड फ्रूट्स हमें प्राप्त होते हैं। किससे? फॉरेस्ट से। दे प्रोवाइड शेल्टर टू वेरियस एनिमल एंड बर्ड्स। फॉरेस्ट जो है बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स को शेल्टर देते हैं। बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड जो हैं उन्हीं जंगलों में रहते हैं। दे प्रोवाइड हार्ड फूड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग फर्नीचर एंड टूल्स। इन फॉरेस्ट से ही हम लोगों को कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए वुड, फर्नीचर बनाने के लिए टूल्स बनाने के लिए वूल इन्हीं फॉरेस्ट से हमें मिलती है। दे प्रोवाइड अस सॉफ्ट वुड विच इज़ यूज टू मेक, और इन फॉरेस्ट से हमको सॉफ्ट वुड भी मिलती है। सॉफ्ट वुड किस टाइप की होती है? जिससे हम पेपर या मैच स्टिक्स को बनाते हैं। फॉरेस्ट हेल्प टू कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड फ्लड। फॉरेस्ट से सॉइल इरोजन एंड फ्लड को रोकने में भी हेल्प मिलती है। फॉरेस्ट ऑल्सो अट्रैक्ट क्लाउड एंड ब्रिंग रेनफॉल। फॉरेस्ट जो है क्लाउड्स को अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि बारिश हो सके। फॉरेस्ट प्योरीफाई एयर एंड चेक ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। फॉरेस्ट जो है एयर को प्योरीफाई करते हैं जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग चेक की जा सके। 1/5 ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट। इंडिया का 1/5 पार्ट जो है फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। फॉरेस्ट गिव अस सॉफ्ट वुड टू मेक थिंग्स लाइक पेपर एंड मैच स्टिक्स। फॉरेस्ट से हमको सॉफ्ट वुड मिलती है जिससे कि पेपर एंड मैच स्टिक्स को बनाया जा सकता है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। इंडिया हैज़ मैनी टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, उनमें से कुछ फॉरेस्ट को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसीडस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम उष्णकटिबंधीय नाम से भी जानते हैं। डेसीडस फॉरेस्ट आर कॉल्ड द पतझड़ी वन। थॉर्न फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे कांटेदार जो जंगल हैं वो, एंड टाइडल फॉरेस्ट को कहते हैं ज्वारीय फॉरेस्ट, ज्वारीय जंगल। माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं, जो माउंटेन में जो जंगल होते हैं, दीज आर कॉल्ड द माउंटेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट, अनदर नेम ऑफ फॉर एवरग्रीन फॉरेस्ट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन हॉट एंड वेट रीजन। ये जो जंगल हैं हॉट एंड वेट मीन्स नमी वाले रीजन में पाए जाते हैं। द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न के जो घाट हैं, हिल्स एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री
एंड द अंडमान निकोबार में ये वाले डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ऑल दीज प्लेसेस आर हॉट एंड रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल। ये सभी वो प्लेसेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और वहाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। दीज आर कॉल्ड द एवरग्रीन फॉरेस्ट। एज द नेम सजेस्ट, जिस तरीके से इनका नेम ही बताता है, द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट रिमेन एवरग्रीन थ्रू आउट द एयर। इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं पूरे साल हरे भरे रहते हैं। दीज ट्रीज आर टॉल एंड हैव अम्ब्रेला शेप्ड कैनोपी और कवर ऑन द टॉप। ये जो ट्री हैं ये बहुत ही लंबे होते हैं, इनका शेप अम्ब्रेला के शेप में होता है। कैनोपी कवर ऑन द टॉप, और ये टॉप पे इन पे कैनोपी बनी हुई होती है। द वुड ऑफ दिस फॉरेस्ट आर वेरी हार्ड। इन फॉरेस्ट की जो वुड है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। महागोनी, रोज वुड एंड इबोनी आर सम इम्पॉर्टेंट वराइटीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में इबोनी, महागोनी एंड रोज ट्रीज मिलते हैं। अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फर्न्स, क्लाइंबर्स एंड बैम्बूज ऑल्सो ग्रोन इन दिस फॉरेस्ट। एक बहुत ही विशाल संख्या में हमको यहाँ पर फर्न्स, क्लाइंबर्स एंड बैम्बू के ट्रीज भी देखने को मिल सकते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में। डेसिडस फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट को हम पतझड़ी वन के नाम से भी जानते हैं। डेसिडस फॉरेस्ट आर पॉपुलरली कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट। इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि मानसून के आने पर जिस तरीके से पेड़ अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं उसी तरीके से इन फॉरेस्ट में जितनी भी लीव्स होती हैं वो सब झड़ जाती हैं, इसलिए इनको पतझड़ी जंगल के नाम से भी जाना जाता है। दे आर फाउंड एट द फूट हिल ऑफ हिमालय। ये हिमालय के फूट हिल्स में छोटी छोटी पहाड़ियों पे पाए जाते हैं। सह्याद्रीज, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला में ये पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द कंट्री। इन फॉरेस्ट ने हमारे कंट्री के बहुत बड़े हिस्से को कवर करके रखा हुआ है। अनलाइक द एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह से ही द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव वंस अ ईयर। जिस तरीके से एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो है वो पूरे साल हरे भरे रहते हैं, सदाबहार रहते हैं, और ये जो डेसिडस फॉरेस्ट हैं ये अपनी लीव्स को वंस अ ईयर शेड, इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड एंड महुआ, सिम्यूल एंड बैम्बू जो है यहाँ के मेन ट्रीज हैं जो डेसिडस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट ग्रो इन एरिया दैट रिसीव वेरी लेस रेनफॉल। थॉर्न फॉरेस्ट जैसे कि डेजर्ट एरिया में हम लोग थॉर्नी प्लांट देखते हैं, कैक्टी प्लांट देखते हैं, उसी तरीके से थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं उनमें वो ट्रीज पाए जाते हैं जिनमें लीव्स नहीं होती हैं, कांटेदार ही ट्रीज पाए जाते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट ग्रो इन एरिया दैट रिसीव वेरी लेस रेनफॉल। ये फॉरेस्ट उन जगह पर होते हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। दे ग्रो इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के डेजर्ट रीजन में, गुजरात, हरियाणा में पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट हैव ट्रीज विद लॉन्ग रूट्स दैट गो डीप इन टू द सोइल। इन जंगलों की पेड़ों की जो ट्री वो जड़ें होती हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं और मिट्टी में बहुत ही गहराई में दबी हुई होती हैं। थिक बार्क्स, शार्प थॉर्न और मॉडिफाइड लीव्स एंड स्मॉल लीव्स विच इन रिटर्न प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द सरफेस। इनकी जो जड़ें होती हैं मिट्टी में बहुत दबी होती हैं, इनके जो तने होते हैं बहुत ही मोटे होते हैं, नुकीले होते हैं, उनमें कांटेदार होते हैं। एंड मॉडिफाइड लीव्स, और उनमें पत्तियाँ बहुत ही कम होती हैं। एंड स्मॉल लीव्स विच इन रिटर्न प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर को लॉस होने से बचाती हैं फ्रॉम द सरफेस। दीज प्लांट एंड ट्रीज कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये प्लांट और ट्रीज जो हैं बिना वाटर के बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। इन प्लांट ट्रीज में बैबूल, वाइल्ड पाम एंड कीकर जो मोस्ट पॉपुलर ट्रीज हैं थॉर्न फॉरेस्ट के, ये सभी आते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। बाय स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर 10, अवर फॉरेस्ट वेल्थ। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द यूजफुल प्रोडक्ट विच वी कैन फाइंड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट,
थॉर्न फॉरेस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, टुडे वी विल डिस्कस टिडाल फॉरेस्ट। टिडाल फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द ज्वारीय फॉरेस्ट, इनको जो है हम ज्वारीय हिंदी में ज्वारीय फॉरेस्ट के नाम से, जंगल के नाम से जानते हैं। टिडाल फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मैनग्रोव फॉरेस्ट, इनको मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। मैनग्रोव मीन्स होता है आम कुंज। दे आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ रिवर एंड एरियाज विच आर सबमर्ज्ड इन सी वाटर। ये फॉरेस्ट उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवर होती हैं, सी वाटर के आसपास वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनमें जो है इन जंगलों में गुच्छेदार पूरे पूरे ग्रुप बना के ट्रीज इनमें निकल के आते हैं। दे आर फाउंड इन द डेल्टा रिवर एरियाज विच आर सबमर्ज इन सी। दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। इस प्रकार के जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ये फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर फुल ऑफ सच फॉरेस्ट। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रीजन के जो डेल्टा रीजन है वहाँ पर टिडाल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सुंदरी ट्री ग्रो हेयर, यहाँ पर सुंदरी नामक ट्री पाया जाता है। इट्स वुड इज़ यूज्ड टू मेक बोट, इस ट्री की जो वुड है वो बोट्स बनाने में काम आती है। द सुंदर वन इज नेम्ड आफ्टर सुंदरी ट्री, सुंदर वन के नाम से सुंदरी ट्री होने की वजह से ही इन फॉरेस्ट का सुंदर वन के नाम से इनको जाना जाता है। दिस ट्री बिलोंग टू द मैनग्रोव फैमिली, ये ट्री जो होते हैं मैनग्रोव फैमिली से होते हैं क्योंकि इनमें जो है पूरे पूरे ट्रीज के ग्रुप बन जाते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट फॉरेस्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट एज द नेम टेल अस, जिस प्रकार से इनका नेम बता रहा है, फाउंड इन द हिमालय रीजन में पाए जाते हैं एंड पार्ट्स ऑफ नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया की नीलगिरी हिल्स का भी ये हिस्सा होते हैं। सम ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव कॉनिफरस वैरायटी, ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनकी कॉनिफरस वैरायटी होती है। विच बियर कोन, जिनमें नोक इनकी जो लीव्स होती हैं, जो इनका जो एंड पॉइंट होता है वो नुकीला होता है। चीर देवदार फर चेस्टनट सेदार पाइन एंड स्प्राउस आर ट्रीज फाउंड इन द इन दीज फॉरेस्ट, ये इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ट्रीज के नेम हैं। दीज ट्रीज आर टॉल एंड हैव पॉइंटेड शार्प नेडल शेप्ड लीव, इन ट्रीज की पॉइंटेड एंड शार्प नेडल शेप्ड लीव्स होती हैं। देयरफॉर द स्नो डज नॉट गैदर ऑन द ट्री, इसकी वजह से स्नो, क्योंकि माउंटेन है तो यहाँ पर स्नोफॉल तो होता ही होगा, और पॉइंटेड शेप की वजह से, पॉइंटेड एंड शार्प नेडल शेप की वजह से इनके ऊपर स्नो जो है रुक नहीं पाती है, गैदर नहीं हो पाती है। वुड ऑफ दीज ट्रीज इज़ यूज टू मेक पेपर, और इन ट्रीज़ की जो वुड है उसको पेपर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इनकी वुड जो है थोड़ी सी सॉफ्ट वुड होती है। सेव ट्रीज, द नॉन स्टॉप यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज रिड्यूस्ड द फॉरेस्ट कवर सिग्निफिकेंटली। फॉरेस्ट को लगातार इस प्रकार से काटा जा रहा है कि हमारे जंगल जो हैं दिन पर दिन कम होते चले जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट वी आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग सॉइल इरोजन की परेशानी को फेस करते हैं, फ्लड्स को देखते हैं और सूखे वाले जो दिक्कत आती है, ये सभी चीज़ें जो हम लोग फॉरेस्ट को काट रहे हैं उससे फेस की जा रही हैं। सिंस फॉरेस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन दिस अर्थ, जंगलों का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इस पृथ्वी को सर्वाइव करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ बीन कंपेल्ड टू टेक स्टेप दैट विल रीजनरेट दिस इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्विकली, इसलिए सरकार के द्वारा भी कंपेल्ड टू टेक स्टेप लिए जा रहे हैं जिससे कि इन रिसोर्स को क्विकली महत्व दिया जाए और इनको कटने से रोका जाए। हैव यू हर्ड अबाउट द चिपको आंदोलन और चिपको मूवमेंट, आपने कभी चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट के बारे में सुना होगा। द वर्ड चिपको मीन्स टू हग, चिपको जो वर्ड है इसका मीन्स होता है गले लगाना या किसी को हग करना। इन द 1970s अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन उत्तराखंड, 1970s में वुमेन ऑफ उत्तराखंड की एक औरतों के एक ग्रुप ने इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। दे प्रिवेंटेड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बाई हगिंग देम, उन्होंने, लोग जो थे पेड़ों को काटने जा रहे थे तो उन्होंने उन ट्रीज़ को हग करके अपने हाथों से उनको कटने से रोकने के लिए उनको हग करके उनको काटने से रोका था। दिस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द रेनी विलेज ऑफ उत्तराखंड, ये जो आंदोलन था
ये जो मूवमेंट था सबसे पहले उत्तराखंड के रेनी वैली से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे स्प्रेड ऑल ओवर द गढ़वाल रीजन, धीरे धीरे ये गढ़वाल रीजन के पूरे रीजन में फैल गया। द वुमेन फोक ऑफ दिस रीजन कम टुगेदर रिवॉल्ट, धीरे धीरे इन सभी महिलाओं ने एक पूरा आंदोलन स्टार्ट किया अगेंस्ट द रूथलेस कटिंग। उन्होंने पेड़ों के अनियमित रूप से कटने के लिए बहुत ही ज़्यादा विरोध किया। सुंदरलाल बहुगुणा हेडेड दिस मूवमेंट एंड हार्ड वर्क टू ऑफ द पीपल अल्टीमेटली बोर फ्रूट व्हेन द गवर्नमेंट पास लॉ टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे इस आंदोलन के मुख्य थे, जो उसके मेन हेडर थे, उनके कठिन परिश्रम से और लोगों के कठिन प्रयास के परिणाम स्वरूप सरकार को डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए कानून बिल पास करना पड़ा। बट इवन दिस हैज़ नॉट डिस्करेज्ड पीपल फ्रॉम कटिंग ट्रीज, इसके बावजूद भी लोगों का पेड़ काटना बंद नहीं हुआ। द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड प्रोग्राम, उसके बाद में गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स को बनाना स्टार्ट किया, सच एज सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट एंड वन महोत्सव टू इंक्रीज फॉरेस्ट कंजर्वेशन। सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट और वन महोत्सव के माध्यम से लोगों को फॉरेस्ट को लगाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए इंकरेज किया गया। फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री, दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन विच चिल्ड्रन आर इंकरेज टू प्लांट अ ट्री, एक बच्चे के लिए एक ट्री, ये प्रोग्राम एक बनाया गया जिसके लिए हर एक बच्चे को कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आप पेड़ लगा सकते थे। ये एक ऐसे स्कीम, एक प्लान सरकार के द्वारा बनाया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके साथ साथ द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्विंग लोकल एंड ट्राइबल पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों को सर्वाइव कराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया, लोकल इन्वॉल्वमेंट उनका सपोर्ट किया गया। स्टेप्स आर ऑल्सो बींग टेकन टू डेवलप ग्रीन बेल्ट इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में ग्रीन डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए। शीशम ग्रोज इन डेसिडस फॉरेस्ट, शीशम जो ट्री है ये डेसिडस फॉरेस्ट में उगता है। चिपको मूवमेंट वॉज हेडेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, फॉरेस्ट आर होम टू वाइल्ड एनिमल्स, फॉरेस्ट में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का घर होता है एंड ह्यूज वैरायटी ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स। When we cut forest, अगर हम इन forest को ऐसे ही दिन पर दिन काटते चले जाएंगे, we also destroy the habitat, हम जो हैं उन सभी लोगों के आवास को छीन लेंगे जो, और लिविंग क्रिएचर्स के आवास को छीन लेंगे जो इनमें रहते हैं। Unrestricted poaching and hunting has led the extinction of many species. लगा इस तरीके से शिकारियों के द्वारा बहुत सारी स्पीसीज को मारने से उनको मारने से रोका नहीं जाएगा तो हमारी बहुत सारी प्रजातियां ऐसे ही विलुप्त होती चली जाएंगी। Therefore, the government has set up national park along with wildlife and bird sanctuaries. इसके परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट को है सेट अप द नेशनल पार्क सेटअप करने चाहिए जिससे कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन मिल सके, बर्ड सेंचुरीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, एज वेल एज देयर उनके हैबिटेट को भी प्रोटेक्शन मिल सके। एलिफेंट, हिप्पो, राइनो, डियर आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट, काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क आर होम टू ऑल दीज एनिमल्स। काजीरंगा एंड नेशनल पार्क जो हैं इस प्रकार के बहुत सारे एनिमल्स का होम है। राइनो वर किल्ड फॉर मेडिसिन, राइनो को उनकी मेडिसिन बनाने के लिए किल किया जा रहा है। एंड मस्क डियर वर किल्ड फॉर द मस्क यूज इन द परफ्यूम, और मस्क डियर को मारा जा रहा है क्योंकि उसके मस्क से परफ्यूम बनाए जाते हैं। द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात आर होम टू एशियाटिक लॉयन, गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है वो एशियाटिक लॉयन के होम्स हैं। द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ फाउंड इन द सुंदरबन में टाइगर्स को, रॉयल बंगाल टाइगर को प्रोटेक्शन मिलता है, उनको रखा जाता है। रणथंभौर एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी टाइगर रिजर्व है। द डेसिडस फॉरेस्ट आर होम टू एनिमल लाइक, डेसिडस फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, कौन कौन से, बियर, बोर, वाइल्ड बफेलो, लेपर्ड, बर्ड, स्नेक, कोबरास, पैथन्स, फिश, टर्टल एंड टॉर्टोइस आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ पर डेसिडस फॉरेस्ट हैं वहाँ पर ये सभी एनिमल्स रहते हैं। टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ लॉज हैव बीन
enacted along with the setting up national parks and wildlife sanctuaries. इन वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए. अगर इनको इस तरीके से कानून बनाकर सर्वाइव नहीं किया गया तो इनके जीवन को खतरा होगा. एक समय ऐसा आएगा ये सभी अपने अपने अस्तित्व को खो बैठेंगे. सरकार के द्वारा नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को प्रोटेक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने को सपोर्ट मिलना चाहिए. मैनी इंडेंजर्ड स्पेसीज आर टुडे अलाइव ओनली बिकॉज ऑफ द हैबिटेट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट. बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो अभी भी जीवित हैं क्योंकि सरकार के द्वारा उनको प्रॉपर हैबिटेट दिया गया है और उनको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है. एंड इकोसिस्टम इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल लिविंग बींग. इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जो है एक प्रकार का रिलेशनशिप है बिटवीन ऑल लिविंग बींग्स के साथ में, देयर हैबिटेट एंड एनवायरनमेंट. उनको जहाँ पे वो रहते हैं उनको और किस प्रकार का उनको वातावरण मिल रहा है. एनी डिस्टर्बेंस इन दिस नेचुरल रिलेशनशिप. किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस अगर नेचुरल रिलेशनशिप के बीच में, विल डिस्टर्ब इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है एंड डिस्टर्ब लाइफ ऑन द अर्थ. और जितने भी पृथ्वी पर रहने वाली चीज रिलेशंस हैं उन सभी को जो है डिस्टर्ब भी कर सकता है. सो स्टूडेंट्स, यू विल राइट दीज न्यू वर्ड्स इन योर कॉपी एंड डू ऑल द शॉर्ट आंसर्स. बहुत 2 से 3 शॉर्ट आंसर्स हैं आपके. यू कैन डू एंड राइट ऑल द शॉर्ट आंसर्स in your copy and answer the following question in your book. Your questions are, what are the soft and hard wood used for and what is the program for every child a tree, how much area of our country is under forest cover. Only 3 questions are the for the short questions and I think 4 questions are there in answer the following question right in a neat and clean handwriting and do all the exercises in your book. Okay, student, thank you for today. Bye-bye.